हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लस्सी। गर्मियाँ काफ़ी बढ़ चुकी हैं और इस वक्त अगर हमें ठंडी ठंडी मलाईदार लस्सी मिले तो शरीर को काफ़ी तरावट और ताजगी महसूस होती है। हमने यहाँ पे बिना झंझट बिना किसी परेशानी के दही लस्सी बनाई है, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है ये स्वादिष्ट लस्सी। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में 3 कप फ्रेश दही लिया है। दही काफ़ी फ्रेश होनी चाहिए और थिक होनी चाहिए। आप मार्केट का भी दही यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो घर पे अगर दही अच्छे से जमा लें तो उसे बनाएंगे तो काफ़ी स्वादिष्ट लस्सी बनेगी। फिर हम इसे एक विस्कर की हेल्प से 2 मिनट तक लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। चाहे तो आप मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन मिक्सी में चलाने से एक तो पतली हो जाती है और दूसरी थोड़ी सी चिकनाई आ जाती है, जो पीने में अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ हम इसमें 2-3 आइस क्यूब भी डालेंगे। अगर आप तुरंत पीने वाले हैं तो आप आइस क्यूब डालें, वरना स्किप कर दें। इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे रखें, उसके बाद पिए। लेकिन अगर तुरंत बनाकर तुरंत पीना है तो आप आइस क्यूब का इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी को हमने यहाँ पर पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है। मिक्सी में 5-6 चम्मच चीनी डालें, उसे पीस लें। इससे होता यह है कि हमारे लस्सी में आसानी से घुल जाते हैं। आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। बस इतना होता है कि उसे घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको जैसा सुविधा हो उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मेजरमेंट में 1 गिलास में 2 चम्मच चीनी काफ़ी है। कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर इसे हम थोड़ी देर फेंटेंगे और इस तरह का लगभग तैयार करेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपको फ्रिज में रख के पीना है तो आप इसी समय इसे फ्रिज में रख दें और जब आपको पीने की इच्छा हो तब आप इसे सर्व करें या अपने गेस्ट को पिलाएं या खुद भी पिएं। अब हम यहाँ पे सर्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे गिलास में लस्सी भर लिया है और जो दही के ऊपर मलाई रहती है उसे हम इसके ऊपर डालेंगे। आप दूध की मलाई नहीं डालेंगे, इसमें दही में जो ऊपरी मलाई जमता है उस मलाई को यूज़ करेंगे और साथ ही साथ इसमें अपने मन पसंद ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे और तब इसका आनंद लें। आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।